नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए ये टॉपिक यानी कि जैव विविधता सम्मेलन जो आज का टॉपिक है, यह आपके सिलेबस के इन्वायरमेंटल का पार्ट है। ओके, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको आगे भी फ़ायदा करे तो आप इसको अपने शब्दों में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं जैव विविधता सम्मेलन क्या है, कब शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है, और भारत में इसके लिए क्या क्या चीज़ें अभी शुरू हुई हैं। ओके, तो देखिए जैव विविधता सम्मेलन जिसको कन्वेंशन ऑन बायो डाइवर्सिटी कहते हैं, ओके, या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CBD कहते हैं। ओके, सी का मतलब कन्वेंशन, आपको पता चल गया, ऑन बायोलॉजिकल यानी कि बी एंड डाइवर्सिटी। ओके, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आ रहा है एक चीज़, जैव विविधता। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जैव विविधता क्या है, इसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए जैव विविधता का अर्थ सिंपल रूप में है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। ओके, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों यानी कि पेड़ों के प्रकारों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। ओके, यह इंटरनेशनल मीनिंग है जैव विविधता का। ओके, ये समझिएगा। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए 5 जून 1992, ओके, यानी कि 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो, ओके, यानी कि जो है ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन, ओके, यानी कि अर्थ समिट के टाइम ड्यूरेशन के समय इसके लिए हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर हुए थे, और 29 दिसंबर 1993, ओके, 29 दिसंबर 1993 को यह कार्य करने लगा या यह प्रभावी हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको डेट मिल गया कि 29 दिसंबर 1993 को यह प्रभावी हो गया। और अगर देखा जाए कि ये कहाँ पे सबसे पहले निकल के आया, तो यह निकल के आया आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। ओके, अब देखिए आगे है कि वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ओके, यानी कि जो आपका वर्ष बीत चुका 2010, उसको जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि 2010 में COP के 10वें सम्मेलन में अक्टूबर माह में नागोया यानी कि जापान में जैव विविधता सम्मेलन में नागोया प्रोटोकॉल लागू किया गया था या अपनाया गया था। ओके, तो 2010 में COP के 10वें सम्मेलन में अक्टूबर माह में नागोया जापान में जैव विविधता सम्मेलन में नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बताएंगे नागोया प्रोटोकॉल क्या है और COP क्या है। देखिए COP को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए थे क्योटो प्रोटोकॉल का जो वीडियो हमने दिया था उसमें, लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देखिएगा, समझिएगा। अगर आप समझ चुके हैं तो बेहतर है, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको इस पर प्रकाश डलवाएंगे। देखिए पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो अर्थ समिट जब हुआ था उसमें कुछ समझौते हुए थे तीन, उसमें एक समझौता था UNFCCC, ओके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ETC इसका नाम पूरा है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें कहा गया था कि सभी सदस्य देश जो बैठक करेंगे आगे, ओके, उन बैठकों को COP कहा जाएगा, ओके, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाएगा। ओके, COP कहा जाएगा, यानी कि COP की बैठक होगी, तो पहला COP 1, दूसरा COP 2, दूसरा तीसरा COP 3, ऐसे करके बैठक होगी जो विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में होगा। तो अब समझ गए होंगे आप COP क्या है। ओके,
इसके लिए यहाँ पे सीओपी कहा गया है। तो सीओपी के 10वें सम्मेलन में कहा गया कि यहाँ पे आपके 10वें सम्मेलन में अक्टूबर माह में नागोया जापान में जैव विविधता सम्मेलन में नागोया प्रोटोकॉल लागू किया गया था। अब चलते हैं आगे, हमने बता दिया सीओपी क्या था। देखिए 22 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 की समय के बीच को जैव विविधता के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। किया था, यानी कि अभी 2020 नहीं हो रहा है, मतलब पार नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन अभी चल रहा है, यानी कि 2010 से 2020 तक के बीच का बात हो रहा है, तो अभी भी ये एक्टिव है, आपको ध्यान देना है। और 193 यानी कि 193 सरकारों यानी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। तो सर्वप्रथम 193 सरकारों, अगर सरकार की बात होगी तो कंट्री की भी बात होगी, यानी कि 193 सरकारों ने यानी कि कंट्री ने इसके लिए हस्ताक्षर किया था और अपना समर्थन दिया था। और इस सम्मेलन के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। लक्ष्य कहें या उद्देश्य कहें सेम है। तो पहला था जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण। सेकेंड था इसके घटकों को सतत उपयोग, इसके घटकों का सतत उपयोग। एंड थर्ड था आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन मिलके सबको करना है, इसका उद्देश्य था। सेकेंड था इसके घटकों का सतत उपयोग, यानी इसका उपयोग कंटिन्यूअस तरीके से बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए इसका लक्ष्य था। यानी कि बेहतर तरीके से उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें इनका लक्ष्य था। और तीसरा था आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा, यानी कि जब चीज़ें आप कंजर्वेशन करेंगे, जो समस्याएं सॉल्व करेंगे, जो फायदे फिर होंगे, ये जैव विविधता से जो फायदे निकल के आएंगे उसका बंटवारा कानूनी तौर पे होगा, इसके लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बराबर सबको इससे लाभ मिले, हर कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है। और देखिए इसके लिए नागोया प्रोटोकॉल, देखिए नागोया प्रोटोकॉल की बात हुई थी, इसी के लिए ये जो थर्ड पॉइंट है, इसी के लिए नागोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 यानी जापान में लागू किया गया था। किसके देख रेख के लिए, इसी ये थर्ड पॉइंट के देख रेख के लिए, कि यह सब चीज़ें देखे सही से। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सब चीज़ देखना है कि जो सही से चल रहा है कि नहीं, इसका सतत बंटवारा सही रूप से हो रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ कानूनी रूप से देखने का काम नागोया प्रोटोकॉल का होगा। जो 29 अक्टूबर 2010 को जापान में लागू किया गया था। और यह देखिए, यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देखिए यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि जिस लोग इसमें, मतलब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कंट्री, उनको कानूनी रूप से बाध्य होना पड़ेगा। अब आगे आते हैं कि कार्य, यह काम कैसे करता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस होगा। देखिए काम कैसे करता है, देखिए सीओपी, सीओपी पे बात हो गया है, अब इस पे डिस्कस आगे हम नहीं करेंगे। सीओपी क्या है आपको ये ध्यान में रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में नए मुद्दे की पहचान करने और लक्ष्य की प्राप्त करने तथा जैविक विविधता की नुकसान की नुकसान के लिए बैठक करती है, यानी कि सीओपी का जो बैठक होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में एक नया मुद्दा ढूंढा जाएगा, पहचान किया जाएगा, आइडेंटिटी किया जाएगा, और फिर उसके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी तथा जैविक विविधता की नुकसान के लिए बैठक होगा। यानी कि बैठक करती है। अब सेकंड इसका काम है कि सीबीडी हस्ताक्षरकर्ता सरकारों को सीओपी के निर्णय के आधार पर रणनीति और कार्य का आयोजन करने पर राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि रिपोर्ट सौंपना जरूरी होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सीबीडी, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन की बात हो रही है, पे जिन सरकारों ने हस्ताक्षर किया है, और सरकारों ने जितने जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं,
COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के निर्णय के आधार पर रणनीति बनाना है और कार्य करना है, उसका आयोजन करना है, उसको लागू करना है अपने पूरे देश पे, उसके बाद उसका रिपोर्ट भी सौंपना है। ऐसा नहीं करना है, उसका रिपोर्ट सौंपना है जिसे पता चले कि ये सरकार कितना उसके लिए कार्य कर रही है, उस कार्य के लिए कितना सीरियस है, तो रिपोर्ट भी आपको देना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा बातें होंगी कि 2020 तक का जो हमने बताया कि अभी 2020 तक का लक्ष्य जो इसके अंतर्गत दिया गया और जो अभी ड्यूरेशन चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें आई, थोड़ा सा उससे। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो 2020 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा उसके अंतर्गत क्या क्या पैरामीटर इन्होंने सेट किया। इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। देखिए 2010 में जापान में जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 193 कंट्री जो थी वो एकत्र हुई और विश्व के मूल्यवान प्रकृति को बचाने के लिए यानी नेचर को बचाने के लिए एक रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि विश्व के बड़े पैमाने पर विलुप्त हो रही प्रजातियों और दुनिया भर के महत्वपूर्ण निवास स्थानों को नुकसान से बचाने के लिए और उससे निपटने के लिए अगले 10 वर्ष में लागू किया जाएगा। यानी कि जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि निवास स्थानों को नुकसान से बचाने के लिए, और उसमें कहा गया कि प्रजातियां जो हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्य करना होगा जो 10 वर्ष तक चलेगा, 10 वर्ष में मतलब लागू कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कहा गया कि विश्व के 17% यानी 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना तथा 2020 तक महासागरों यानी कि समुद्र यानी कि सी के 10% क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करने के लिए प्रयास करने पर भी सदस्य देशों को कहा गया, जो कि सदस्य देशों ने अपनी सहमति जताई यानी कि उन्होंने एग्री किया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। और दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि भारत ने अपना रिपोर्ट एक सौंपा था, हम जानते हैं 15 या 16, सन 2016 के आसपास, जिसमें देखिए भारत ने क्या क्या चीज़ें इस पे अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत की। तो देखिए भारत ने पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसमें भारत की तरफ से पॉजिटिव वर्क सामने निकल के आया और जिसमें बताया गया कि वनों की वृद्धि भारत में दर्ज की गई। फिर शेरों की जनसंख्या बढ़ी और एक सिंह वाले गैंडों की बात हो रही है, वो विलुप्त हो रहे थे। जो विलुप्त होने के कगार पे थे वहाँ पे भारत ने कार्य किया और उनको बचाया विलुप्त होने से, और आज उसकी संख्या 2400 है। तो 2400 तक संख्या भारत ने पहुँचाया विलुप्त होने वाले एक सिंह वाले गैंडों की। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा और इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें अपडेट्स न्यू आएंगी उस पर हम जरूर आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रकाश डलवाएंगे। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।